अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट द कंक्रीट, कि कंक्रीट को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। और दूसरा जो है वो कंक्रीट की जो मिक्सिंग है वो बाय वॉल्यूम है या बाय वेट है, इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें जो है कंक्रीट, कंक्रीट मिक्सिंग, इसके दो स्टेप हैं। एक है बाय वॉल्यूम और दूसरा है बाय वेट। इसमें अभी जो हमारे दो प्रोसीजर हैं, बाय वॉल्यूम और बाय वेट। बाय वॉल्यूम में हम यूज करते हैं मैनुअल सिस्टम, जो कि हम मिक्सर मशीन वगैरह यूज करते हैं। मिक्सर मशीन में हम स्टील पैन यूज करते हैं, उसमें हमारी जो कंक्रीट होती है वो बाय वॉल्यूम हम उसमें यूज करते हैं। स्टील पैन का एक वॉल्यूम होता है, उसके मुताबिक हम एक जो बाय वॉल्यूम हम कंक्रीट करते हैं उसमें हमने एक स्टील बॉक्स बनाया होता है जिसका वॉल्यूम 1 फिट बाय 1 फिट और 1 फिट ही उसकी डेप्थ होती है। तो वो ड्यूरिंग कंक्रीट वर्क उसमें हम मिक्सर मशीन के साथ उसको यूज़ करते हुए प्रॉपर बाय वॉल्यूम यूज़ करते हैं। और जो दूसरा प्रोसीजर है वो है बाय वेट। जो बाय वेट का प्रोसीजर है उसमें हम बैचिंग प्लांट यूज़ करते हैं। जो हमारा बाय वॉल्यूम है उसमें हम मिक्सर मशीन यूज़ करते हैं। उसमें मिक्सर मशीन यूज़ होती है, वो हाफ बैग की भी यूज़ हो सकती है, 1 बैग की भी यूज़ हो सकती है। उसके बाद जो बाय वेट वाली जो हमारा कंक्रीट है वो है बैचिंग प्लांट। इसमें हमारा कंक्रीट बैचिंग प्लांट यूज़ होता है। अभी जो मिक्सर मशीन है उसमें हमारी जो रेशो, हमारी मेजरमेंट्स होती हैं 1 to 4, 1 to 3, 6, 1 to 4, 8, इसमें हमारी ये कैलकुलेशंस यूज की जाती हैं बाय वॉल्यूम में। और जो हमारा बाय वेट होता है, बाय वेट में हमारी कंक्रीट की जो वो स्ट्रेंथ है वो 3000 PSI, 4000 PSI और 2000 PSI यूज की जाती है। अभी जो 2000 PSI है वो हमारी लीन कंक्रीट के लिए यूज होगी, 3000 PSI हमारी हॉरिजेंटल मेंबर्स कोई भी है उसमें हमारे स्लैब है, बीम्स हैं, उसके लिए 3000 PSI यूज की जाएगी। स्टेयर्स के लिए, ये स्टेयर्स के लिए स्लैब बीम्स ये 3000 PSI है। 4000 PSI में, 4000 PSI ये हमारी वर्टिकल मेंबर्स के लिए यूज की जाती है। वर्टिकल मेंबर्स में हमारे कॉलम आ जाते हैं, शेयर वाल आ जाती है, इसमें लिफ्ट्स आ जाती हैं, ये हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं जिसमें 3000 PSI। और ये 2000 PSI है ये जस्ट हमारी लीन कंक्रीट के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा जो 3000 PSI है वो हमारी, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्लैब स्टेयर बीम्स में यूज़ की जाती है। ये हमारा बाई वेट है, ये जो कि बैचिंग प्लांट पे प्रॉपर बैचिंग प्लांट की कैलिब्रेशन होती है। कैलिब्रेशन होने के बाद इसको कंट्रोल पैनल से ऑपरेटर यूज़ करता है और ये बाई वेट सारी कंक्रीट की जाती है। इसके बाद इसकी मिक्सिंग के बाद ये हम स्टील जो है व्हील बैरोज में हम जो है कंक्रीट वो हम डिलीवर करते हैं व्हील बैरो में साइट पे। और ये जो है ये हमारे पास ट्रांजिट मिक्सर यूज होता है। ट्रांजिट मिक्सर जिसे हम टीएम भी कहते हैं, टीएम कहते हैं, ट्रक मिक्सर कहते हैं। इसमें हम बैचिंग प्लांट से कंक्रीट बैच होने के बाद ट्रांजिट मिक्सर में शिफ्ट की जाती है, बैचिंग प्लांट से टीएम के थ्रू आगे साइट पे प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद मोबाइल कंक्रीट पंप, स्टेशनरी कंक्रीट पंप या लिफ्ट के थ्रू आप कैसे भी किसी भी प्रोसीजर से आप कंक्रीट को वहां पे डिलीवर कर सकते हैं। तो जो कंक्रीट की मिक्सिंग के दो प्रोसीजर हैं, बाय वॉल्यूम और बाय वेट, ये इसमें डिफरेंस है। जो बाय वॉल्यूम है ये आ गया और जो बाय वेट है वो बैचिंग प्लांट के थ्रू आ गया। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।